नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव एक्सपोज और मैं श्रेयसी शैलेंद्र आज एक बहुत बड़ा खुलासा लेके आई हूँ। बिहार के भागलपुर जिले में निर्माण के दौरान ही ब्रिज ने गंगा में ले ली समाधि। ये 4 लेन का ब्रिज भागलपुर के सुल्तानगंज को खगड़िया के अगवानी से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था और इस निर्माण कार्य के दौरान ये दूसरी बार ढह गया। इसके निर्माण में कुल 1,716 करोड़ का खर्च व्याप्त था। दूसरी बार निर्माण में बाधा आने के कारण स्टेट गवर्नमेंट ने इस मामले में तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। पिछले वर्ष बहुत तेज बारिश और हवा के कारण पहली बार ये ब्रिज गिरा था। इस ब्रिज का निर्माण 2014 में शुरू हुआ था और इसकी डेडलाइन 8 से अधिक बार फेल हो चुकी है। दुर्घटना स्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि जब ये ब्रिज गिरना शुरू हुआ तो वहां कई लोग काम कर रहे थे पर किसी की मौत या घायल होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। ये काम 2019 में पूरा होना था पर तब तक 25% निर्माण भी संभव नहीं हुआ जिसके कारण इसकी अवधि बढ़ा दी गई और ये अब तक बढ़ती ही जा रही है। 30 अप्रैल 2022 में पिलर नंबर 4 से 6 भारी बारिश और तेज हवा की वजह से गिर गया था। हालांकि इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे, इसके बावजूद भी यह घटना दोबारा दोहराई गई है। विपक्ष द्वारा सवाल प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं कि इनके कार्यकाल में पहले तो ब्रिज का निर्माण सही समय पर नहीं हुआ और उसके बाद ये ब्रिज दूसरी बार भी गिर गया। हरियाणा की एक कंपनी को पुल निर्माण का ठेका मिला है जिसके खिलाफ अब बीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही है। सुल्तानगंज, खगड़िया, सहरसा, मधेरपुर और सपुवाला के यात्रा के समय को कम करते हुए उत्तरी बिहार को इसके दक्षिण से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 6वां पुल होगा। यही नहीं, इस मुद्दे को विपक्ष पर सब अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। बिहार के एक जानी मानी नेता ने पहले ये दावा किया कि ये ब्रिज को उन्होंने स्वयं गिरवाया है क्योंकि वह सही दिशा में नहीं बन रहा था। उनका कहना था कि इससे प्रशासन की कोई गलती नहीं है बल्कि ब्रिज का काम और अच्छे से करने और उसको सही दिशा में वापस लाने के लिए ब्रिज को गिराया गया। इस बयान के अगले ही दिन उसी पार्टी के एक प्रमुख नेता ने ये कहा है कि ब्रिज को गिराने में विपक्षी पार्टी बीजेपी का हाथ है। दोनों बयानों को आपस में कोई तालमेल नहीं दिख रहा है और ये समझा नहीं जा सकता कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। बस इतना है कि प्रशासन इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है और इससे हो रही परेशानी को नजरअंदाज कर रहा है। देखा जाए तो अब जितना खर्च इसे व्याप्त हुआ है उसके बाद भी ब्रिज का बार बार गिरना भ्रष्टाचार को दर्शाता है। आसपास के लोगों का यह कहना है कि 2014 में ब्रिज की आधारशिला रखने के बाद कोई ब्रिज के निरीक्षण के लिए नहीं आया। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर ये ब्रिज का काम अगर साल के अंत तक खत्म होता और इस पर आवाजाही शुरू हो जाती तो इसे लोगों के जान माल के जाने और कोई बड़ी दुर्घटना होने की आशंका लगाई जा सकती है। अब आशा है जल्द ही इस पर कोई निष्कर्ष निकलेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए लाइव एक्सपोज के साथ।